नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। थाना कोतवाली ने पकड़ा एक 5,000 का इनामी पारदी। थाना प्रभारी विवेक अस्थाना ने बताया कि 5,000 का इनामी पारदी जोगराज को पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर पकड़ लिया। इस आरोपी के ऊपर चोरी, डकैती, लूटपाट व हत्या के आरोप दर्ज हैं। वहीं पुलिस अभी से पूछताछ कर रही है ताकि आगे और मामलों की जानकारी लगा पाए। ये हमारे कोतवाली टीम द्वारा एक 5,000 के इनामी पारदी गिरिराज पुत्र रामनारायण पारदी निवासी खेजड़ा को पकड़ा गया है उप निरीक्षक राम शर्मा और प्रधान आरक्षक हरीश और टीम द्वारा। ये थाना धरनावदा के एक हत्या के प्रकरण में वांछित था, वो उसमें फरार चल रहा था। आरोपी से एक मोटरसाइकिल भी संदिग्ध है जो चोरी की प्रतीत हो रही है, वो बरामद की गई है और आरोपी को आज माननीय न्यायालय रिमांड हेतु पेश किया जाएगा। लगभग आरोपी पे कितने मामले दर्ज? अभी दो अपराध तो पहले के और एक चोरी का जो मामला हुआ। स्कूल का विवाद पहुंचा थाने। बताया जा रहा है कि एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चे मिलकर वहीं पढ़ने वाले एक लड़के को मारने पीटने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि वह लोग उस अकेले बच्चे को पूरी तरह से मारने लगे। इसी बात की शिकायत लेकर नाबालिग छात्र थाने पहुंचा। कल स्कूल गए थे ना पेपर देना, तब पेपर हुआ तो बाहर आए, तो वो छुट्टी हुई ना तब बाहर आए, तो वो भीड़ भड़कता हो रही थी, लड़के में टच हो गया। फिर वो उसका पड़ोस में रहता है ना, उसने उसका भैया इसके दी। फिर वो उसके दोस्तों को बुला लाया, दोस्तों को बुला के उसने कल कहा कल छुट्टी हो तो आ जाना। फिर वो आ गए, आके मैं बाहर निकला ना, जैसे पकड़ के मारने लगे, मार के फिर वहाँ पर ले गया मारपीट, वहाँ पर मारा। फिर मेरे परिवार वाले आए, उन्होंने बचाया। पिपरौदा कला में दबंगों द्वारा किए गए सरकारी भूमि पर कब्जे की शिकायत को लेकर वहां का निवासी पहुंचे जनसुनवाई में। बताया जा रहा है कि पूर्व सरपंच और हाल ही के सरपंच ने शासकीय जमीन पर कब्जा कर रखा है। जमीन भी करीब 500 बीघा इन दोनों के कब्जे में है, जिसकी शिकायत वहां के निवासियों ने कई बार जनसुनवाई में की, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं ग्रामीणों की बात माने तो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जमीन को राजसात करने के आदेश काफी पहले ही दिए जा चुके हैं, इसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तालाब है दिमंग है कांग्रेसी सरपंच गजपाल यादव वर्तमान और हरवीर सिंह सरपंच भूतपूर्व, इनको 250 बीघा पे कब्जा है तिक्रमण। तो लगातार 2 महीना से कलेक्टर साहब को आवेदन दे रहा हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि अनुविभागीय अधिकारी ने राजसात को आदेश कर दो 16 तारीख में। कब्जा कहाँ पर है? कब्जा है मौरी तालाब, सर्वे नंबर 183। पंचायत पिपरौदा कला, तहसील गुना। वर्तमान सरपंच है गजपाल यादव, 100 बीघा पे 150 बीघा पे भूतपूर्व सरपंच हरवीर सिंह यादव, ये कांग्रेसी नेता है। एक सर्वे नंबर 183 और 164 में और 194 में आगे गुट के आदमी का है। ऐसे करके 550 बीघा में अतिक्रमण है, सबसे फसल खड़ी हुई है, जिसमें से 250 बीघा की फसल कट गई, अब 300 बीघा गेहूँ और खड़े हैं। तो क्या चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ जब आदेश होगा तो रास्ता हो, फसल इनकी रास्ता हो, जो दिमंग उनकी क्यों नहीं हो रही है, अधिकारी क्यों गोल मोल कर रहा है। अभी जो आपने आवेदन दिया तो क्या आवेदन दिया? क्या बिल्कुल करवा रहा है, जबकि सिंचाई विभाग को ये ऐसी सिंचाई विभाग के पूरी अधिकारी मिली हुई, पैसा ले रहा है। हारोन निवासी विजय पहुंचा जनसुनवाई में। विजय की शिकायत है कि कुछ दबंगों ने शासकीय भूमि पर कब्जा कर अपना मकान बना लिया है। वहीं विजय ने यह भी बताया कि कई बार जनसुनवाई में आ चुका है, लेकिन आज दिनांक तक उसकी बात पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई है और न ही उस शासकीय जमीन पर से उक्त कब्जा हटाया गया है। वहीं विजय ने यह भी बताया कि कलेक्टर राजेश जैन ने एक आदेश पारित किया था, जिसके तहत उस जगह की जांच भी की गई और जांच में पाया गया कि उक्त भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है, लेकिन फिर भी उस भूमि पर से कब्जा नहीं हटाया जा सका। शासकीय जमीन है सर्वे नंबर 1511, इसमें चंद्रमोहन पुत्र बालकृष्ण द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। आरसीसी की फ्लैट खड़े करके 2 कमरे बना लिए हैं, अभी उस पर छत नहीं है। मैं जब ही से शिकायत करके चला रहा हूँ, जब मैंने घंटे को आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं, 3 महीने हो गए मुझे शिकायत करते, कम से कम
नक्शा दे रहे हैं। छः बार यहाँ घूम चुका कलेक्टर साहब से मिल चुका। कलेक्टर साहब ने क्या बोला? कलेक्टर साहब ने उन्हें निर्देशित कर दिया था, उसकी जाँच हुई, जाँच में पंचनामा बनाया गया, मेरे दस्तखत भी हैं, उन्होंने माना कि यहाँ अतिक्रमण हुआ है, मगर वो हटाने को तैयार नहीं है तहसीलदार। किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं पॉस्को एक्ट 2012 को लेकर आज एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला पंचायत सभागार में आयोजित की गई इस एक दिवसीय कार्यशाला में किशोर न्याय बोर्ड बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन प्रबंधक, गृह एवं बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया। कार्यक्रम के माध्यम से बाल न्याय अधिनियम के बारे में सभी को जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला सत्र न्यायाधीश जेपी दत्ता मौजूद रहे, जिन्होंने इस अधिनियम के बारे में सबको विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई। बाउंड्री भी हो रही है और सुधार भी हो रहे हैं, तो अपनी समस्याओं पर डिस्कस करें आपस में एक दूसरे से। इसके आयोजन ये है कि लेक्चर के बदले एक दूसरे से चर्चा करें, आपको जो दिक्कत आ रही है वो डिस्कस करें आपस में। आयोजन किया गया है किशोर न्याय मां को देखने के सशक्त अधिनियम, इसमें काफी व्यापक चेंजेस किए गए हैं। एक्चुअली क्या कि पूरा वर्ल्ड में एक फिलॉसफी चेंज हो रही है, बच्चों के प्रति दृष्टिकोण पूरे विश्व में चेंज हो रहा है, तो भारत में भी परिवर्तन हो रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि इसकी भावना को देखें, इसके जो प्रोविजन पर श्रीवास्तव ने लेक्चर तैयार किया है वो डिटेल आपको बताएंगे लेक्चर के बारे में। तो आप मेन बात है कि बच्चा, तो गोयल जी ने कहा कि बच्चा जो बचपन से इनोसेंट होता है, 18 साल तक की उम्र तक बच्चे में चेंजेस संभव है। मेडिकल साइंस के अनुसार भी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सकता है, और बच्चा जो गलत रास्ते में निकल गया है उसको वापस आ सकता है। आपका काम बहुत पुनीत है, इसको इंटरेस्ट लेके सब किसी भी कारण में सफलता के लिए जरूरी है कि उसको बोझ ना समझें। यदि बोझ समझेंगे तो आपको कार्य करने मजा नहीं आएगा और उसको फिर आपका परफॉर्मेंस भी प्रभावित होगा। उसको रुचि लेकर काम करें, और वैसे भी शासन के ध्यान आकर्ष करना चाहूँगा कि इसमें स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, कुछ पुलिस इसके अंदर अलग से जो रूट होना चाहिए, जो केवल इसी के लिए भर्ती के समय ही कुछ ऑप्शन नाम ले जाएँ जो इस विंग में काम करें ताकि स्पेशलाइज हो जाए और सुविधाएं तो मिलना एक्सपेंशन। संविदा कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मंच ने आज सरकार के विरुद्ध स्वरूप बनाए पकौड़े और उनकी बिक्री भी की। अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे संयुक्त संघर्ष मंच ने आज पुरानी कलेक्टर परिसर के बाहर पकौड़े की दुकान लगाई, साथ ही अपना विरोध प्रदर्शन भी किया। इस प्रदर्शन करने के पीछे ये बताना था संविदा कर्मचारियों की हालत बद से बदतर हो चुकी है और वह अपनी आजीविका चलाने के लिए छोटा सा छोटा काम भी कर सकते हैं। अरे पैसे इसमें डालो, ये बेला है लेके जा रहा है, ये तो जब पैसे आए उधर ही रख दो, आगे पैसे आ गए इसमें डालो, थाली में थाली पड़ा, थाली में गिर गया, पांच प्लेट है ये वाली, चलो पहले बिक रहा है पर दो अलग 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 है यार काम करने का, और दूसरे 40 कर लिए उसने, दूसरे पूरे सेवा समाप्ति पत्र उसको जो टारगेट मिला था वो तो उसने पूर्ण कर लिया। जी मैडम आपको भूख पे मैं आप लो ना। आज संयुक्त मोर्चा गुना इकाई के द्वारा आज विरोध प्रदर्शन के स्वरूप हमने पकौड़े तले हैं और पकौड़े तल के हम बेच रहे हैं, क्योंकि आज संविदा की स्थिति हमारी सभी लोगों की लगभग इस तरीके की हो गई है कि हम पकौड़े बेचने पर भी आ गए हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि पकौड़ा भी एक व्यवसाय है, तो हम ये विरोध प्रदर्शन के स्वरूप यहाँ आज पकौड़े तल रहे हैं। और हमें अब ये धीरे धीरे करके विश्वास हो चुका है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी ये मानने लगे हैं कि संविदा नाम का कलंक जो है वो बेकार है, और वो इस ओर अब निरंतर प्रयासरत हैं, और हमें ये उम्मीद है हम सभी संविदा कर्मियों को, पूरे मध्य प्रदेश संविदा कर्मियों को, कि वे हमें नियमितीकरण का तोहफा जरूर और जरूर देंगे। तहसील परिसर में आज उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब एक ग्रामीण अपनी किसी मामले को लेकर पटवारी के पास पहुंचा, वहीं पटवारी से उसकी कहासुनी हो गई। इस मामले में जब हमने तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव से बात करना चाही तो उन्होंने बताया कि उक्त किसान किसी बात को लेकर भड़क गया
और पटवारी के साथ अभद्रता करने लगा, जबकि जो हल्का नंबर वह बता रहा है वह उक्त पटवारी का भी नहीं है। वहीं किसान की बात माने तो उसके साथ अभद्रता पटवारी ने शुरू की थी। वहीं तहसीलदार महोदय ने हमारे साथ न्याय न करते हुए हमें ही दोषी ठहरा दिया। अगर 5000 रुपए मांगे तो तुम हमारे पास आए शिकायत करो। पिताजी को गाली दी थी इसने, पहले गाली मारी हुई मेरे पिताजी को गाली दी। तुम्हारे बोलने की स्टाइल से पता चल रहा है कि कौन कैसे बोल रहा है। जब गुस्सा होता है गाली पर दो महीने आके तुम्हारे हल्के मुकाबला देखा भाई। पटवारी के साथ बदतमीजी करी उसने, आवेदक ने, कोई भी किसान है, उसने कॉलर पकड़ी और चश्मा छुड़ा लिया। पटवारी ने आके मुझसे शिकायत करी तो मैंने उसको बुला के चर्चा करना था। तो वो तो बहुत बदतमीज किस्म का किसान है पटवारी। पटवारी वो हल्के में भी नहीं है, वो पटवारी दूसरे हल्के का है, सस्पेंड है, ओकावत का किसान है कोई, और वो दूसरे उमरी वाले पटवारी के लड़के ही कॉलर पकड़ रहा है। किस मामले को लेकर लड़ रहे थे? क्या पता किस मामले को लेकर लड़ रहे हैं। हमें हमें हमारे ना हमारे क्षेत्र का केस है ना कुछ जानकारी। यहाँ पे हमने जैन साहब पटवारी के सामने श्यामलाल देवरिया ने गाली गलौज की, इसके बाद हमने लाइक इस बात के सर में क्या कर रहे हो आप, तो बोला तू कौन होता है, गाली बकरा पिताजी गाली बकरा। इसके बाद मैंने बोला सर हाथ पकड़े काम में सर आप गाली बकरी, तो मुझ पर ये अपने तहसीलदार साहब बोलने लगे इनकी FIR कर दो। मतलब उल्टा चोर कोतवाली लड़े, तहसीलदार साहब को हमारा न्याय करने थी वो हमारा विरोध कर रहा है, हमारी FIR कटवा रहा है। देखिए सर इनका न्याय देखिए इनका, इस जनता की अदालत में खड़ा हूँ सर मैं। जैन साहब हमारे पटवारी साहब हैं, पिछले 2 महीने से परेशान हो रहा हूँ मैं, क्या करूँ पटवारी का मेरा काम ही नहीं है। नहीं सर आप बताइए क्या करें, हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं, इनसे कुछ सुनती नहीं है सर। कैंट पुलिस एवं स्थानीय लोगों ने बालाजी मंदिर पर चढ़ाया आभूषण। बता दें कि कुछ दिन पूर्व इस मंदिर से चोर बालाजी की मूर्ति से आभूषण चुरा कर ले गए थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों के साथ आज काके सरदार एवं कैंट पुलिस द्वारा बालाजी के आभूषण चढ़ाए गए। आभूषण चढ़ाने से पूर्व कैंट थाना प्रभारी आशीष सप्रे एवं पूजा गोरैया ने बालाजी की विशेष पूजा अर्चना की, साथ ही मुकुट अर्पित किया। ओम वज्रासन ज्योति तरफ से वनस्पति रसोद उदम कांडार्थं रूपां दीपां प्रति व्रतं समर्पयामि त्रिलोकं पात्रं समर्पयामि नमो नमः। हम कैमरे भी लगा दोगे ना, हो सकता मुंह पे कपड़ा बांध के आ जाए। हां कर लोगे तुम, आना जाने देखो लगा दिया करेंगे और निकाल लिया करेंगे। बस बस तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। वो काट रही है स्टार्ट पहुंच जी, उसमें काट हुआ गया वो क्या छोटा काट को अपन कर मान लो लाया भाई। तुम लोग भी लगा रहे हो जी, तुम लगा दो आप लगा हुआ तुम लोग डर गए आप लगा काट दिया मैं जी की आप साथ के रास्ते मुझे बांध लंगो अभी लो ये यहाँ आज पूजा पाठ का कार्यक्रम था और साथ साथ हनुमान जी के जो छत्र चोरी हो गया था उसमें यहाँ से जन सहयोग से
वो काक के सरदार हैं यहाँ पे, इनके सहयोग से यहाँ पर छत्र, मुकुट और जनेऊ आदि यहाँ पर चढ़ाए गए। सभी लोगों ने आज यहाँ पूजा अर्चना की है और साथ साथ यहाँ पर इसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी कैमरे वगैरह लगाए जा रहे हैं और बाउंड्री वॉल का भी जल्द जन सहयोग से यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। रामनवमी के उपलक्ष्य में नगर में कल सर्व समाज हिंदू संगठन के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गुना कलेक्टर राजेश जैन, SDM अत्येंद्र सिंह गुर्जर उपस्थित रहे। हिंदू संगठन द्वारा कलेक्टर राजेश जैन व SDM सहित तहसीलदार को साफा बांधकर स्वागत किया गया। नगर में जोरदार जुलूस भी निकाला गया, जिसमें जय श्री राम के नारे लगाए गए। हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। डीजीएनए न्यूज में खबरों का सिलसिला आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।